नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 25 मई लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने सुनाई अच्छी खबर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम सभी कर्मचारियों को सूचित करना चाहते हैं कि आप भुगतान आयोग के माध्यम से 4% की वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% हो गया है। लेकिन एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, जो महंगाई भत्ता बढ़ा था वह 1 जनवरी 2024 से प्रभाव में आया था। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% कर दिया गया, लेकिन नहीं बढ़ा कोई भी भत्ता। वजह पता चले कि इस संबंध में ज़्यादातर विभागों का कहना कि महंगाई भत्ता अभी 50% से ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए हम भत्ते नहीं बढ़ा सकते। साथ में वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा होने पर भत्ते में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्ते बढ़ाने की योजना थी। अभी महंगाई भत्ता 50% होने के बाद पुरस्कार सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी, लेकिन आदेश वापस ले लिए गए। ईपीएफओ ने एक आदेश जारी किया जिसमें ग्रेजुटी की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर से आदेश को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, सूत्रों की माने तो ये इसलिए किया गया क्योंकि लागत प्रीमियम अभी 50% से अधिक नहीं हुई, 50% ही है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मिला देती है तो कर्मचारी की बेसिक लागत तो बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा, जिसे सरकार एक तीर से दो निशाने साधने जा रही है। साथ में वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता 50% से अधिक होने पर भत्ते बढ़ाए जाते हैं। अब महंगाई भत्ता 50% ही हुआ है, ये 50% से ऊपर नहीं गया। यदि महंगाई भत्ते को डीए में मिला जाता तो भत्ता 0% की वृद्धि से होगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जा रहा है, जिसका आपको महंगाई भत्ता AICPI के आंकड़ों के मुताबिक बढ़ रहा है, लेकिन 2 महीने से AICPI के आंकड़े जारी ही नहीं किए गए, इसलिए महंगाई भत्ते बढ़ने की उम्मीद है। AICPI के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बेस लाइन में विलय किया जा सकता है। ऐसे में विलय के बाद असली खेल शुरू होगा। कर्मचारियों का मूल वेतन तो बढ़ेगा, लेकिन भत्ते बढ़ने से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।